यार ये कुत्ते क्यों भौंकना शुरू कर देते हैं। एक बज के 10 मिनट हो रहे हैं रात के एंड कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब मैं कुत्ता नहीं हूँ, स्ट्रीट पे कुत्ते हैं। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बोट जो कंपनी है उसकी लाइफ कैसी है, सो बॉर्न लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट बाय द नेम एक्स वाई जी, लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट एक्स वाई जी प्रो एंड डाई। मतलब मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि रॉकर्स 330 आए थे, बिल्कुल भी और कुछ इतनी खास एनहांसमेंट नहीं की गई एंड 330 प्रो नए लॉन्च कर दिए गए। सो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उनकी प्राइस को लेके, तो दोनों की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास है, या तो 1400, कभी 1300, कभी 1500 में आपको मिल जाएगी। बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर जो भी नई प्राइस होगी आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसमें वारंटी कितनी मिलती है, तो दोनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। सो डिज़ाइन मोर ऑर लेस सेम है एंड बिल्ड क्वालिटी तो ऑलमोस्ट सेम है। डिज़ाइन में एक हल्का सा फ़र्क है एंड वो फ़र्क क्या मैं बता देता हूँ। जो 330 प्रो हैं उनमें एक एक्स्ट्रा डॉक दिया गया है जो प्लास्टिक का बना हुआ है एंड इट इज़ फॉर द बटन्स। ठीक है, वो जो बटन दिए गए हैं उसके लिए, क्योंकि जो दो पहले चैसी आते थे या उनको जो भी डॉक बोलते हैं वो आते थे, वो मेटल के थे 330 में। इनमें क्योंकि अब उनमें बैटरी लगा दी गई है, क्योंकि अब तो 60 घंटे तक की आपको बैटरी बैकअप मिलने वाली है, सो एक एक्स्ट्रा डॉक और देना पड़ा है 330 प्रो में, ताकि वहाँ पर बटन्स वगैरह फिट कर सकें। ये मेजर डिफरेंस मेरे को डिज़ाइन में दिखाई दिया, अदर देन दैट और कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं, कंफर्टेबल भी हैं एंड मुझे और कोई दिक्कत नहीं आई। बाय द वे दोनों में IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। अब बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि जो मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं ईयरबड्स वो प्ले एंड पॉज वाले फीचर के साथ भी आएंगे, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही जो नेक बैंड्स हैं 330 एंड 330 प्रो, दोनों के ही जो ईयरबड्स हैं वो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, बट प्ले पॉज वाला फीचर नहीं मिलता है। अब अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी अच्छी थी 330 में, 330 प्रो में भी अच्छी है। दोनों में डुअल कनेक्टिविटी मिल जाती है, मतलब एक साथ दो डिवाइसेस में आराम से कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने आप स्विच हो जाता है जब भी आपको यूज़ करना हो डिवाइस एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूज़र एक्सपीरियंस मस्त है, AAC कोडेक दोनों में ही मिल जाता है एंड ओवरऑल कनेक्टिविटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, सो ऑडियो क्वालिटी भी सेम है। आई मीन जो 10 mm के ड्राइवर्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे के, मतलब एक तो उनका ड्राइवर साइज सेम है, दूसरा वो एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्यून किए गए हैं। सो आपको बेस हैवी मिल जाता है, ट्रेबल हाइएस्ट वॉल्यूम पे आपको शार्प मिल जाता है, वोकल्स हल्के से एम्पलीफाइड हैं एंड ओवरऑल यही है म्यूज़िक की क्वालिटी। सो अगर आपको बेस पसंद है दोनों ही आपको पसंद आएंगे 330 एंड 330 प्रो, एंड अगर आप एक ऑडियो फाइल हो तो आपको दोनों इतने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। वैसे 1400 रुपये में या 1500 रुपये में मुझे इनकी ऑडियो क्वालिटी ठीक लगी। आप एन्जॉय डेफिनेटली करने वाले हो गानों को अगर आप इनमें उन गानों को सुनते हो। फर्दर अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी में मुझे 330 प्रो हल्के से बेटर लगे। उसका रीज़न ये है कि इनमें बीस्ट पोर्ट मिल रहा है एंड 330 में मेरे को हल्की सी लेटेंसी नज़र आती थी, सो इनमें ऐसा नहीं है एंड इनमें लेटेंसी थोड़ी बेटर की गई है। सो अगर आपको सिर्फ लेटेंसी के बेस पे कोई नेक बैंड चूज़ करना है इन दोनों में से, तो आप 330 प्रो को यूज़ कर सकते हो। वैसे दोनों में आप मूवीज़ वगैरह एंड गेमिंग कर सकते हो, लेकिन 330 प्रो मुझे हल्के से बेटर लगे। अब बात करते हैं कॉलिंग की। सो कॉलिंग भी मोर ऑर लेस सेम है, लेकिन हल्का सा फ़र्क है 330 प्रो में, क्योंकि डॉग जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है एंड उसी में माइक है, तो वो मुंह के बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ थोड़ी और लाउड एंड थोड़ी और क्लियर सुनाई देती है दूसरे इंसान को। 330 में भी आराम से कॉलिंग वगैरह हो जाती है एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट मुझे कहीं ना कहीं 330 प्रो हल्के से बेटर लगे। वैसे ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। एंड मेरे हिसाब से बोलूँ तो आउटडोर्स में कॉलिंग करो या इंडोर्स में कॉलिंग करो, दोनों काफ़ी बढ़िया। तो ये जो नेक बैंड अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर बोट रॉकर्स 330 प्रो, अभी हाल ही में खरीदा था 1400 रुपीज में। अभी मैं अपने रूम में, बट मेरे पड़ोस में आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे हथौड़ा वथौड़ा ठोक रहे हैं। तो क्या तुझे अभी आवाज आ रही है? नहीं, क्लियर है सब, अच्छी आवाज है, क्लियर है। हाँ, तो अभी मैंने फैन फुल स्पीड से ऑन कर दिया एंड मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, तो तुझे अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? प्रेस है मेरी आवाज या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं 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 आ रही है, हवा की आवाज, पंखे की आवाज, बीच में थोड़ा बहुत नॉइज, तेरी आवाज भी थोड़ी सी मफल्ड हो गई है। एंड जब तू अभी नहीं भी बोल रहा है तब एक वो जो हवा वाली आवाज होती है वो आ रही है, मेरे तक पहुंच रही है। बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया, तो अभी जो मेरी आवाज होती है क्लियरली सुनाई दे रही है? आर यू एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ट्रैफिक की नॉइज ओवर पावर कर दे रही है मेरी वॉइस को? नहीं, ट्रैफिक मस्त पीछे है, 280% होगा, ट्रैफिक 20 पे।
हाय, ये वाले जो नेक बैंड है, दीज आर बोट रॉकर्स 330, अभी ये 1300 रुपए में मिल जा रहे हैं, 1200-1300 के अंदर। एंड बेसिकली ये TWS की क्वालिटी इतना अच्छा तेरे को कॉल क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये बता, तेरे को मतलब आवाज से भी सुनाई दे रही है। एंड अगर मैं अपना एनवायरमेंट बताऊँ तो अभी एकदम रूम में कोई पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा है, कोई शोर नहीं है। बस सारी क्लियर है, एकदम क्रिस्प क्लियर ऑडियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मिनट मैं फैन ऑन करता हूँ फुल स्पीड पे और फिर नीचे बैठ के बात करता हूँ फैन के। एक मिनट। हाँ, तो अभी ना फैन पूरी एकदम फुल स्पीड पे और एकदम पंखे के नीचे खड़ा हूँ मैं, तेरे को मतलब मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? मेरी आवाज में कुछ मफ़ल्ड या फिर ऊपर नीचे हो रही है क्या? नहीं, मतलब उतनी क्लैरिटी ऑब्वियसली नहीं है, हल्की सी कम हो गई एकदम, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, बट वो भी बहुत नेगलिजिबल है, आराम से अच्छी खासी आवाज आ रही है। तो अभी पूरा ट्रैफिक ऐड कर दिया, ठीक है, और पास ही में खड़ा हूँ मैं अपने लैपटॉप के, जहाँ से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, तो तेरे को मतलब बैकग्राउंड में कितना तेज सुनाई दे रहा है और मेरी आवाज को कितना ज्यादा काट रहा है? ऊपर है, लाइक ऊपर है, अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रही है। पीछे ऑब्वियसली ट्रैफिक की जो भी हाई पिचेस है वो थोड़ी बहुत आगे आ जा रही है, बट तू तेरी आवाज स्टिल प्रॉपरली सुनाई दे रही है। सो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। 330 में 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप बोट ने क्लेम किया था, तो उसमें मेरे को 26 से 27 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल रहा था। यहाँ पे जो 330 प्रो हैं उनमें 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप अगेन बोट ने क्लेम किया है, एंड मेरे को पता नहीं ऑलमोस्ट कितने घंटे का बैटरी बैकअप देंगे, क्योंकि आई हैव लॉस्ट द ट्रैक, बिकॉज 4 दिन हो चुके हैं मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट 80% पे अभी बैटरी। सो ये 1.5 हफ्ते आराम से चल जाएंगे, एंड दोनों में से कोई भी लोगे तो आपको बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटरी है। मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड तक आपको बस बैटरी बैकअप चाहिए, उसके ऊपर आप चाहे 40 घंटे दो, 50 घंटे दो, 100 घंटे दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन हमको मिल चुकी होती है एंड दोनों ही उस सेटिस्फैक्शन वाले थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं। सो बैटरी बैकअप दोनों में बहुत ज़्यादा तगड़ी है एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैटरी बैकअप के मामले में। बाय द वे दोनों में फास्ट चार्जिंग भी आ जाती है, सो उनको भी आप यूज़ करके ऑलमोस्ट 40-35 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो उन दोनों ही नेक बैंड्स को। सो दोस्तों, फाइनल सवाल, इन दोनों में से कौन से वाले नेक बैंड को खरीदना चाहिए? वेल, अगर आपके पास रॉकर्स 330 पहले से मौजूद हैं, आप पहले से इनको यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ अपग्रेड मत करना, बिकॉज 330 प्रो आर नॉट वर्दी अनफ फॉर एन अपग्रेड। लेकिन अगर आपके पहले नेक बैंड होने वाले हैं, ये लाइक 1500 रुपये आपका बजट है एंड आप एक नेक बैंड खरीदना चाहते हो, देन 330 प्रो काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को, आप उनको खरीद सकते हो। मतलब एक या दो फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली अगर आप खरीद रहे हो तो एक दो फीचर एक्स्ट्रा क्यों नहीं लोगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से 255 प्रो प्लस, 335 या फिर 330 मौजूद हैं, देन प्लीज़ अपग्रेड मत करना। सो दोस्तों, यही था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके बता दो अगर आपको और किसी भी डिवाइस के साथ कंपैरिजन वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कवर करने के लिए, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।